राजस्थान से आगे निकली गुजरात, हार से मुंबई का हुआ नुकसान, जानिए क्या है पॉइंट्स टेबल में सभी टीमों का हल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आईपीएल 2023 के 16वें सीजन के 35वें लीग मुकाबलों के बाद क्या है आईपीएल 2023 पॉइंट्स टेबल का हाल, कौन सी टीम किस स्थान पर है, किसके कितने पॉइंट है। साथ ही बताएंगे मुंबई पर जीत के बाद गुजरात टाइटंस कहां पर पहुंच गई है और हार से मुंबई को कौन सा नुकसान हुआ है बताएंगे इस वीडियो में, सब कुछ पूरी विस्तार से पूरी डिटेल में। लेकिन दोस्तों अगर आप भी आईपीएल के फैन हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, साथ ही कमेंट में अपनी फेवरेट आईपीएल टीम का नाम जरूर लिखें। ऐसे में ये दोस्तों अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर की। दोस्तों आईपीएल के 16वें सीजन के 35वें लीग मुकाबले में गुजरात टाइटंस की टीम ने काफी आसानी से मुंबई इंडियंस को 55 रनों से मात देते हुए पॉइंट टेबल में अपनी स्थिति को और अधिक मजबूत किया। इस सीजन में गुजरात की 7वें लीग मुकाबले में यह 5वीं जीत थी और अब वह पॉइंट टेबल में 10 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गई है, जिसमें टीम का नेट रन रेट 0.580 का है। इस समय पॉइंट टेबल में चेन्नई सुपर किंग 10 अंकों के साथ पहले स्थान पर कब्ज है, जिसमें उसका नेट रन रेट 0.662 का है। इसके अलावा तीसरे स्थान पर राजस्थान रॉयल्स की टीम आ गई है, जिन्होंने अब तक 7 लीग मुकाबलों में 4 में जीत दर्ज की है, जबकि 3 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। इस समय राजस्थान के 8 अंक है, जबकि उसका नेट रन रेट 0.844 का है। चौथे नंबर पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम है, जिनके अभी 7 लीग मुकाबलों में 8 अंक है, वही टीम का नेट रन रेट 0.547 का है। इसके अलावा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम पॉइंट टेबल में इस समय 5वें स्थान पर है, जिसमें उन्होंने 7 मुकाबलों में से 4 में जीत दर्ज की है और इस समय उनका नेट रन रेट -0.008 का है। इसके बाद छठे स्थान पर पंजाब किंग्स की टीम है, जिनके भी 8 अंक हैं, लेकिन उसका नेट रन रेट -0.162 का है। इसके बाद 7वें स्थान पर मुंबई इंडियंस की टीम है, जो 7 मैचों में अब तक सिर्फ 3 ही जीत हासिल कर सकी है और उन्हें 4 में हार का सामना करना पड़ा है। टीम का नेट रन रेट इस समय -0.620 का है। पॉइंट टेबल में इस समय 8वें स्थान पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम है, जो 7 मैचों में 5 हार का सामना कर चुकी है और उसका नेट रन रेट -0.186 का है। इसके बाद 9वें स्थान पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम है, जिसके 7 मैचों के बाद 4 अंक हैं और 10वें स्थान पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम है और उनके भी इस समय सिर्फ 4 ही अंक हैं। बाकी दोस्तों पूरी पॉइंट टेबल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कौन सी टीम किस स्थान पर है, किसके कितने पॉइंट है। वैसे दोस्तों इस बार का आईपीएल खिताब कौन सी टीम जीतेगी, आप अपनी राय कमेंट जरूर करें।